स्वागत है आपका हमारे चैनल कुक फूड मेन्यू में। आज हम बनाने जा रहे हैं इमली की चटनी। आप इस चटनी को पानी पूरी, दही पूरी, सेव पूरी और तमाम तरह की चाट्स में यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका बनाने का तरीका। एक पैन में 50 ग्राम इमली ऐड करेंगे मीडियम फ्लेम पर, जिसे हमने 3/4 कप पानी के साथ 1 घंटा पहले भिगोकर रख लिया था। अब इसमें गुड़ ऐड करेंगे 5 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, शुगर 1 चम्मच और 3-4 चुटकी नमक इसमें ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसमें बॉईल आ जाने पर हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसे 7 से 8 मिनट के लिए पका लेंगे, या कि इस मिक्सचर के थोड़ा थिक हो जाने तक। जैसे ही मिक्सचर थिक हो जाए आपको फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब हम स्ट्रेनर की मदद से इसे एक बर्तन में कलेक्ट कर लेंगे। और बचे हुए मिक्सचर को अच्छी तरह से चम्मच की मदद से प्रेस करके इसमें से पल्प निकाल लेंगे, जैसा कि हमने यहाँ किया है। हमारी चटनी की कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। हमारी ये रेसिपी काफी यूनिक है और बहुत ही क्विकली बन जाती है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। हमारी इमली की चटनी सर्विंग के लिए तैयार है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट रेसिपीज की अपडेट मिलती रहे।